घर में स्टार्ट होने जा रहा है इस सीजन का आखिरी नॉमिनेशन टास्क। भाई ये नॉमिनेशन टास्क एक अजीब तरीके से जो है वो बिग बॉस ने करवाना चाहा है। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिरकार ये टास्क को किस तरीके से घर वाले परफॉर्म करेंगे। और ये टास्क जो है वो एक अकेले अकेले नहीं, टीम्स में बटे हुए लोगों के बीच में होगा, कंटेस्टेंट के बीच में होगा। तो ये टास्क जो भी टीम हारेगी वो टीम जो है सीधा सीधा नॉमिनेट हो जाएगी। अभी आप लोगों को मैंने बताया है कि इस हफ्ते जो है दो लोगों को, दो कंटेस्टेंट को निकालना है बिग बॉस को, और फिर उसके बाद बचे हुए जो कंटेस्टेंट रहेंगे वो बन जाएंगे इस सीजन के टॉप 5। अब जैसे कि अरमान अपना फ़ायदा जो है बिग बॉस हमेशा ही देखते हैं, पहले तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो अरमान को भी परफॉर्मेंस वगैरह करवाते हैं, पर कहीं ना कहीं बिग बॉस ने कुछ अलग सी चाल जो है चलने का यहाँ पर सोचा। क्या चाल चलने का सोचा उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं। अभी अरमान मलिक जो है पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट है, तो घर में 7 लोग हैं तो टीम्स में कैसे बढ़ सकते हैं, इसलिए अरमान को बना दिया है संचालक। और टीम ए जो कि है लवकेश, साईकेतन, सना मकबुल, टीम बी नेजी, रणवीर और कृतिका। अब गैलिटन जो है वो घर के गार्डन एरिया में बनाया गया है। अभी आप लोग बोलेंगे कि गैलिटन क्या होता है, पुराने ज़माने में या ये सब चीज़ें, मतलब कि ऐसा गला जो है उसके ऊपर रखा जाता था और गला जो है काट दिया जाता था, तो अब वो ही चीज़ है गैलिटन। तो गैलिटन में मतलब इस तरीके से हाथ वाथ भी बांधे हुए जाते हैं। अभी घर के गार्डन एरिया में इस तरीके से बनाया गया है जहाँ पर अपना फेस जो है रखना है। गॉन्ग बजते ही जो है हर एक, जैसे टीम ए जो है स्टार्ट करेगी और उस टीम से कौन सा सदस्य जाएगा पहले वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड होगा। गैलिटन में आखिरकार कौन जाएगा, गैलिटन में जाते ही जो है उनको अपने फेस पे स्माइल रखनी है और स्माइल को हटाना नहीं है, और विरोधी टीम जो है लगातार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करती रहेगी और कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनाती रहेगी कि जो गैलिटन के अंदर जो सदस्य है उसके फेस से जो है स्माइल चली जाए, और ये चीज़ें पूरी देखेंगे अरमान मलिक का। और ऐसे ही जो है गॉन्ग बजेगा, वो राउंड खत्म होगा और ये 6 राउंड में पूरा टास्क खेला जाएगा, और अरमान मलिक इसके लास्ट में जब पूरा टास्क हो जाएगा लास्ट में बताएंगे कि आखिरकार किस टीम ने सबसे ज़्यादा स्माइल छोड़ी है, यानी कि स्माइल खत्म की है और उनके फेस पे जो है स्माइल गई है, तो किसके रिएक्शन जो है ज़्यादा बदले हैं और किसकी स्माइल जो है कंटिन्यूसली ऐसे ही पूरी टास्क में बनी रही है। जिसकी स्माइल पूरी बनी रहेगी टास्क में इतने सारे चीज़ें सुनने के बाद भी, वो टीम जो है जीत जाएगी और विरोधी टीम जो है वो हार जाएगी और वो सीधा सीधा इस हफ्ते हो जाएगी नॉमिनेटर। अब यहाँ पर अरमान मलिक को बनाया गया है संचालक, तो अरमान मलिक के सामने जो है बहुत ही अच्छी चीज़ रखी गई है। देखिए कृतिका उनकी खुद की बीवी है और जो रणवीर है वो काफ़ी अच्छे उनके दोस्त बन चुके हैं। रणवीर और कृतिका से ज़्यादा खास तो साई केतन है नहीं, इसीलिए साई केतन को सना मकबूल और लवकेश के साथ डाल दिया है। अब जो है ये लास्ट की चीज़ है, तो कहीं ना कहीं अरमान मलिक जो है वो अपनी बीवी और अपने दोस्त की टीम को जिताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिग बॉस भी नहीं चाहते हैं कि नेजी जो है वो नॉमिनेशन में जाए। बिग बॉस चाहते हैं कि नॉमिनेशन में जाए तो साई केतन जाए, क्योंकि बाकियों से कम डिजर्व जो है वो करता है और वो उसको बाहर जाना चाहिए। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर साई केतन यानी कि लवकेश, सना मकबूल और साई केतन नॉमिनेट होते हैं तो अरमान मलिक भी नॉमिनेशन में आते हैं, और इस हफ्ते जो है डबल एविक्शन होनी है, तो साई केतन को तो अरमान मलिक से ज़्यादा वोट मिलती है, तो अरमान मलिक अपने पैर पे भी कुल्हाड़ी मार सकते हैं। तो डबल एविक्शन में साई केतन तो जाएंगे ही जाएंगे, सना मकबूल और लवकेश तो नहीं जाने वाले, पर अरमान मलिक भी जा सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा दुविधा जो है वो डाल दी है, हालांकि ये दुविधा को क्या निकाल पाएंगे अरमान मलिक और क्या ये खेल पाएंगे खेल, हालांकि जितना मैं इंटरेस्टिंग तरीके से मैं बोल रही हूँ काश उतने इंटरेस्टिंग तरीके से ये घर वाले जो है इस टास्क को परफॉर्म भी करें। क्या कहती हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अरमान मलिक फेयर रहेंगे या अनफेयर रहेंगे, या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, या वो अपनी पत्नी और अपने दोस्त को बचा के दूसरी टीम को कर देंगे नॉमिनेट इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए।